मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को ऐसे शब्द बोले कि हर तरफ हंगामा होना शुरू हो गया। विपक्ष बीजेपी सांसद के बयान की ना सिर्फ निंदा कर रहा है बल्कि बीजेपी सांसद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। इसी बीच बीएसपी चीफ मायावती की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली से बीजेपी सांसद की ओर से बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है और वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, लेकिन पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ अभी तक समुचित कार्यवाही नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच रमेश विदुड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई आपत्तियों के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायक को भविष्य में इस तरह का व्यवहार दोबारा दोहराए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। आपको बता दें कि विदुड़ी ने गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 मिशन पर चर्चा में भाग लेते हुए दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। बाद में उनकी टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। वही सूत्रों की माने तो स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी सांसद को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उन्होंने सदन में इस तरह का व्यवहार दोहराया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानना चाहा कि पीएम मोदी, क्या आपने अपने सांसद रमेश विदुड़ी का ये बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहां लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। राज्यसभा से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ विदुड़ी की भाषा पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी सांसद की ओर से बीएसपी के साथी सांसद दानिश अली के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया, कोई शर्म नहीं बची, ये घृणित करने वाला है। क्या लोकसभा अध्यक्ष इस पर ध्यान देंगे और कार्रवाई करेंगे? आपको बता दें इस मामले को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरा है। हालांकि खबर यह भी है कि बीजेपी नेतृत्व ने रमेश विदुड़ी से इस पूरे मामले पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं रमेश विदुड़ी के बयान की वजह से विपक्ष को केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का मौका तो जरूर मिल गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।